सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो और महत्वपूर्ण, खासकर एमए के स्टूडेंट के लिए जो लोग प्रथम वर्ष में या सेकंड ईयर में परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करने जाते हैं और बता देता है प्लीज फिल योर एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर क्या है, क्या होता है एनरोलमेंट नंबर जो आपको मांग रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय, और वीडियो के अंत तक बने रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एमए एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और एनरोलमेंट नंबर की वजह से आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दे रहे हैं कि लास्ट तक देखिएगा या ना देखिएगा, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि एनरोलमेंट नंबर की जगह कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, नहीं तो बाद में चल के बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं हूँ लवकुश और हमारे चैनल का नाम है लवकुश यादव ब्लॉग्स। जो लोग पुराने हैं आपको दिल से लाख लाख शुक्रिया, जो लोग नए हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए तब भाई, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं या भरने जाते हैं, जब आप ऑनलाइन करते हैं, खासकर एमए प्रथम वर्ष और सभी वर्ष के जो भी सेकेंड ईयर के फॉर्म होते हैं उनके, जब एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे जब आप सबमिट करने जाते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट लिख के आ जाता है पॉपअप खुल के कि प्लीज़ फिल योर एनरोलमेंट नंबर। तो अब बात करते हैं कि एनरोलमेंट क्या होता है। जब आप किसी विश्वविद्यालय में कोर्स में एनरोल होते हैं तो वो आपको एनरोलमेंट नंबर देता है, लेकिन इस विश्वविद्यालय अपने मन से तभी एनरोलमेंट नंबर देता है जब आप इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो वो अपने आप एनरोलमेंट नंबर दे देता है, ठीक है। अन्यथा जब कभी आप, जैसे आपने ग्रेजुएशन दूसरे विश्वविद्यालय से किया है और मास्टर कोर्स एमए एमएससी एमकॉम दूसरे विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, तो वो एनरोलमेंट नंबर मांगता है। तो अब आपको वहाँ पे क्या फिल करना, अगर आपका विश्वविद्यालय सेम है, ठीक है, तो आप अपना बीए के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी भी ईयर में अगर आपके मार्कशीट पे एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, रोल नंबर के नीचे जहाँ रोल नंबर लिखा होता है उसी से थोड़े से नीचे लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, वो एनरोल नंबर आप एमए में डाल सकते हैं। लेकिन अगर विश्वविद्यालय सेम है तो, अगर सपोज मानिए कि आपने बीएससी करी है या बीटेक करा है किसी दूसरे विश्वविद्यालय से, अब आप एमए एमएससी कर रहे हैं किसी दूसरे महाविश्वविद्यालय से, तो आपको पहले विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट के लिए नामांकन करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा या फिर आपका कॉलेज जो है वो अपना काम कराए। अगर आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं सेकंड ईयर में और आपका एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है, एनरोल नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है इस बात को समझें। तुरंत आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, अगर वहाँ से पॉसिबल नहीं होता तो तुरंत विश्वविद्यालय संपर्क करें, क्योंकि समय नहीं है, कम से कम 1 से 3 दिन लग जाता है एनरोलमेंट नंबर मिलने में, ठीक है। ऑनलाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसको ले जाके वहाँ यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ता है, तब वो एनरोलमेंट जारी करते हैं। कम से कम मिनिमम टाइम में अगर प्रोसेस करेंगे तो 3 डे का प्रोसेस होता है एनरोलमेंट नंबर निकालने का, अन्यथा 1 हफ्ता, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, कुछ भी लग सकता है, आपके ऊपर है आप कितना समय लगाते हैं, ठीक है। तो सीधे शॉर्टकट की बात करें तो क्या करना है, अगर जिन लोग सेकंड ईयर में हैं, अगर आपको पता है कि आपका विश्वविद्यालय अलग था, तो जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट नंबर एनरोल करा लीजिए। अगर एनरोलमेंट संबंधित कोई अन्य वीडियो चाहिए कि कैसे एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे होता है, कितना फीस लगेगा, इसके लिए आप कमेंट करिए, उसके लिए हम आपको नया वीडियो बना कर देंगे कि कैसे एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें, कहाँ फॉर्म सबमिट करना है, क्या फीस है, कितने दिन में प्रोसेस होकर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं एनरोलमेंट संबंधी जो भी कन्फ्यूजन था क्लियर हो गया है, कुछ लोग को डाउट बढ़ गया होगा तो आप कमेंट करके बताइए, नया वीडियो ला देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लोगों से ब्लॉग्स, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।